हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मदिहा सुल्तान एंड वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। आज अब है जी वीकेंड और वीकेंड का दिन गुजरता है अम्मी के घर। बहुत ही खूबसूरत आज मौसम हुआ हुआ है, देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और शाम का टाइम है तो टाइम है, चाय का टाइम है तो मैं जाती हूँ चाय शाय बनाती हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह साथ चलेंगे और फिर करेंगे बैठ के मौसम इंजॉय। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश भी रुक गई है और लाइट भी चली गई है और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख लाइट चली गई है। अब हम लाइट का एक घंटा इंतज़ार करेंगे। अब हमने एक घंटा लाइट का वेट करना है तो उसके लिए हमें करना है टाइम पास। और चले अब हम खेलते हैं लूडो, मज़ा आएगा। ये मैच अब आखिरी मराहल में है, देखते हैं कि कौन सी गोटी सबसे पहले अपने घर पर पहुंचती है। फर्स्ट सेकंड। लो जी दोनों पहुंच चुके हैं अपने घर और एक को चाहिए चार और एक को चाहिए दो। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बन चुका है ये देखें मज़ेदार से दाल चावल और मैं सो गई थी लेकिन अम्मी ने उठाया, पूरे घर में खुशबू बड़े मज़े की आ रही थी, जैसे कुछ स्पेशल चीज़ बन रही हो, जैसे कुछ चाइनीज़ राइस बन रही हो, ऐसी खुशबू आ रही थी। लेकिन ये भी बहुत मज़े का है अम्मी के हाथ का, तो मेरी फरमाइश पर आज दाल चावल बने हैं। तो अब इसमें हम साथ लेंगे अचार, अचार और साथ ये दाल चावल। आज आने लगा है मज़ा। अम्मी के घर आके पता नहीं क्यों नींद बहुत ज़्यादा आती है, मैं सोई जा रही हूँ लेकिन खाने की खुशबू से आँख खुल गई है। अब खाना खाएंगे और फिर से हम सो जाएंगे। इसके बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत मज़े की होने वाली है, बहुत मज़े की वीडियो होगी। तो मिलते हैं अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कोई होगी ना, हम लोग जिन भूतों की बातें कर रहे हैं, बताओ बताओ भी नहीं था। फिर कहते उसके थोड़े दिनों बाद उन्होंने गुजरांवाला जाना था तो वो गाड़ी में जीटी रोड पे जा रहे थे, 101 रात का टाइम था, 2-3 बज रहे थे, 100-110 की स्पीड पे। कहते एकदम ना वो जो इसकी कज़न है वो बोलना कुछ आ रही लेकिन बोल नहीं रही और सांस ज़ोर ज़ोर से लेने शुरू हो गई, तो उनके मियाँ पूछने लगे क्या हुआ कि पूछे जा रहे हैं वो बता नहीं रही कुछ ना, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। और जैसे गाड़ी रोकी वो कह रही गाड़ी भगाओ जल्दी चलो, तो वो ले गए, उन्होंने पूछते रहे रास्ते में क्या हुआ कुछ नहीं, कह रहे हैं उधर जाके घर जाके जब थोड़े सही हुई तो कहती हैं कोई चार टांगों वाली चीज़ और इंसान जैसा जिस्म, वो हम गाड़ी भाग रही है और हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रही है। तो कह रही मैं उसको देख रही हूँ, मेरी आवाज़ निकलना बंद होगी कि क्या चीज़ है ये, क्यों हमारी गाड़ी के साथ साथ। और कहते उन्होंने जब गाड़ी रोक दी तो बिल्कुल साथ शीशे के साथ खड़ी और अंदर झांक रही है। तो वो कह रही हैं मैं उनको कह रही हूँ गाड़ी भगाए, वो पूछे जा रहे क्या हुआ बोलो, तो कहते उन्होंने फिर दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, गाड़ी भगा दी। यार ना बताओ, मैं अकेली घर दी होती हूँ। तो घर जाने के बाद उनको फिर पता चला, फिर उन्होंने दम दरूद वगैरह कराया और घर भी छोड़ दिया, सही हो गया।